Good morning, dear students. Today we will go through our chapter 8th summary, Memories of Childhood. It is written by two writers. It means it has two parts. Jitkalasa and Bamad. These two writers wrote their own childhood experience. In this chapter, two women writers record their childhood memories. इस chapter में दो महिला औरत हैं जो अपने बचपन की यादों को इस पाठ में भेज लिखती हैं, इस पाठ के द्वारा हमें बताती हैं. दीज वीमेन बिलोंग्स टू द लोवेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये दोनों ही औरतें हमारे समाज का जो निचला तबका, निचला वर्ग माना जाता है, उससे संबंधित हैं. दे डिस्क्राइब द पार्शियल ट्रीटमेंट गिवन टू देम बाय द सो कॉल्ड अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये दोनों बताती हैं कि हमारे साथ जो समाज का उच्च वर्ग है, जिसे समाज में सम्मानित वर्ग माना जाता है, उच्च वर्ग माना जाता है, उनके द्वारा जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ है, उसका वो वर्णन करती हैं. द फर्स्ट इज़ द नेटिव अमेरिकन राइटर. जो फर्स्ट है, इट मीन्स जिटकालासा बताती है, जो मूल रूप से अमेरिका के निवासी हैं और वो लेखिका भी है. शी डिस्क्राइब्स एन इवेंट इन हर स्कूल. वो अपने स्कूल का एक छोटा सा इवेंट, एक छोटी सी घटना के बारे में वर्णन करती है. शी रिमेंबर्स हर फर्स्ट डे एट स्कूल. उसको याद है कि उसका जो स्कूल में पहला दिन था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था. शी वॉज फुल ऑफ फियर एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस. स्कूल का जो पहला दिन होता है किसी भी बच्चे का, वो डर से भरा हुआ और बहुत सारे उम्मीदों के साथ होता है. द चिल्ड्रन वर टेकन टू हॉल फॉर ब्रेकफास्ट. छोटे छोटे बच्चों को हॉल में ले जाया जाता है ब्रेकफास्ट कराने के लिए. शी वॉज न्यू. वह नई थी. इट मीन्स इट वॉज हर फर्स्ट डे. एंड डिड नॉट नो टू बिहेव एट सच असेंबलीज. और नहीं जानते थे कि इस तरह से जब सभी लोग, सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, तो वहाँ पर कैसे व्यवहार करना है. द चिल्ड्रन गैदर्स राउंड अ टेबल. सारे बच्चे गैदरिंग करते हैं, सारे बच्चे गैदर्ड इकट्ठे हो जाते हैं राउंड अ टेबल. एक टेबल के चारों तरफ, जो डाइनिंग हॉल था उस रूम में ले जाते हैं, डाइनिंग हॉल के पास, डाइनिंग टेबल के पास. अब बेल रैंग, एक घंटी बजती है. दी टुक आउट चेयर्स. वहाँ जो बच्चे पहुँचे हुए थे डाइनिंग टेबल के पास, उस डाइनिंग टेबल के साथ चेयरें लगी, कुर्सियाँ लगी हुई थी, उन बच्चों ने जैसे ही बेल रंग होती है, बेल बजती है, चेयर्स निकालते हैं. द ऑथर ऑल्सो टुक आउट द चेयर. ऑथर, लेखिका, जो राइटर वर्ड आया, सिनोनिम वर्ड्स हैं. लेखिका ने भी अपनी चेयर बाहर निकाली. एंड सेट ऑन इट. और वो सीधे इसके ऊपर बैठ गई. बट एवरी वन वॉज स्टिल स्टैंडिंग. और फिर उसने देखा कि हर कोई वहाँ पर खड़ा था, सिर्फ चेयर निकाली थी उसके टेबल के नीचे से. सो शी गॉट अप. इसलिए वो वापस खड़ी हो जाती है एजिटेशन में. देन बेल रैंग. फिर दूसरी बेल बजती है. ऑल ऑफ दैम सेट ऑन द चेयर्स. और दूसरी बेल जैसे ही बजती है, सभी बच्चे अपने अपने चेयर पर बैठ जाते हैं. नाउ द ऑथर ऑल्सो सेट डाउन. अब वो लेखिका बेचारी दोबारा बैठ जाती है. शी लुकड एट हर चिल्ड्रन. शी लुकड एट अदर चिल्ड्रन. वो दूसरे बच्चों की तरफ देखती है. बट ऑल द अदर हंग डाउन देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स. पर उन सभी बच्चों ने अपने अपने सर लटका रखे थे, झुका रखे थे अपनी प्लेटों के ऊपर. बट शी फाउंड दैट अदर्स वर नॉट ईटिंग. पर उसने देखा कि दूसरे बच्चों ने सर तो अपने प्लेटों के ऊपर, सिर तो प्लेटों के ऊपर झुका रखे हैं, लटका रखे हैं मानो रोबोट की तरह से, पर वो खा नहीं रहे थे. देन द थर्ड बेल रैंग. तभी तीसरी घंटी बजती है. नाउ एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉक्स एंड बिगेन ईटिंग. जैसे ही तीसरी बेल बजती है, सभी बच्चों ने अपने अपने चाकू और फॉक जो वहाँ प्लेट में अवेलेबल थे, स्पून एटसेट्रा, वो सारी उठाई और खाना शुरू कर दिया. शी फाउंड अ पेल फेस वोमैन वॉज स्टेयरिंग एट हर. उसने देखा कि एक पीले चेहरे वाली औरत उसको घूर रही है. शी फेल्ट हर सेल्फ ऑड अमंग दैम.
उसने अपने आप को बहुत ही असाधारण, बहुत अजीबोगरीब तरीके से अपने आप को पाया। शी वॉज स्टार्टेड क्राइंग, और मैंने कुछ नहीं खाया और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। लेटर इन द एंड वन ऑफ हर फ्रेंड जुडविन टॉल, वहाँ पर फिर दिन के लास्ट में उसकी फ्रेंड जुडविन जो थी, देयर लॉन्ग हेयर वुड बी कट शॉर्ट, उसने उसे बताया, लेखिका को बताया, जिटकाला सा को, जिटकाला सा के बाल बहुत लंबे थे और बहुत ही गहरे और घने थे, तो उसकी फ्रेंड जुडविन ने बताया कि अब आपके जो ये लंबे लंबे बाल हैं इनको काट दिया जाएगा। इन द सोसाइटी फ्रॉम वेयर द ऑथर हैज़ कम, और जहाँ से ये जिटकाला सा, जिस सोसाइटी से जिटकाला सा आई थी, वहाँ पर ये कस्टम, ये रिवाज माना जाता था समाज में। इट वॉज टेकन टैबू टू कट हेयर, उनके समाज में बालों को काटा जाना एक धब्बा माना जाता था, एक कैरेक्टर में दाग माना जाता था। ओनली द हेयर ऑफ द कैप्चर्ड सोल्जर्स वर कट सो, ओनली द हेयर ऑफ द कैप्चर्ड सोल्जर्स वर कट, बाल किनके काटे जाते थे, केवल उन सैनिकों के, उन सैनिकों के बाल काटे जाते थे जो बंदी बना लिए जाते थे। मीन्स जो बाल काटा जाने की जो एक्टिविटी थी वो एक बंदी की फीलिंग को, का एहसास कराते थे कि मानो अब उसको किसी के द्वारा सीज्ड कर लिया गया है, काबू में कर लिया गया है, और वो एक हारा हुआ सैनिक है। सो द कटिंग ऑफ हेयर वॉज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ कावर्डिक, इसीलिए बालों का काटा जाना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि वो सैनिक हार चुका है, वो कायर है। शी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट लेट देम कट हर हेयर, उसने निर्णय लिया कि वो अपने बालों को नहीं काटने देगी। शी वुड रिबेल अगेंस्ट द रूल, वो इस रूल के खिलाफ, इस नियम के विरुद्ध आवाज़ उठाएगी, इस नियम का विरोध करेगी। शी वेंट टू इन टू अ रूम, वो एक कमरे में घुस जाती है। देयर शी हाइड अंडर अ बेड, अपने आप को एक बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे छुपा लेती है। शी हर्ड वॉइसेज कॉलिंग हर नेम, उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसका नाम लेकर उसे बुला रही हैं। नाम क्या था, जिटकाला सा, कि जिटकाला सा बाहर आओ। बट शी डिड नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आती हैं, बाहर नहीं आई। देन शी हर्ड द फुट स्टेप्स इन द रूम, तभी उसको कमरे में कदमों की आहट सुनाई देती है। शी वॉज फाउंड आउट, और उसको खोज लिया गया, मीन्स उसको बाहर निकाला गया। दे ड्रैग्ड हर आउट, उसको घसीट कर बाहर निकाला। एंड फास्टन टू अ चेयर, और बहुत ही मजबूती के साथ एक चेयर में बांध दिया गया। शी स्टार्टेड क्राइंग, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। बट नोबडी केयर फॉर हर, किसी ने भी उसके रोने की परवाह नहीं की। एंड कट हर हर हेयर वॉज कट डाउन, उसके बालों को छोटा कर दिया गया, छोटे छोटे बाल बना दिए गए। शी क्राइड बट नो वन केम टू हर हेल्प, वो चिल्लाती रही पर कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। नाउ द पार्ट वन समरीज फिनिश्ड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द स्टोरी एंड गो थ्रू इट फ्रॉम योर टेक्सचुअल बुक। थैंक्स अलॉट।